एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम तो नहीं है ये, अभी ये है दोपहर का टाइम, 1:30 बज चुका है। आज मैं थोड़ा ना कपड़े वपड़े धोए थे और ठंड भी बहुत हो रही थी, तो धीरे धीरे काम कर रही थी, तो इसीलिए मैंने अभी ना दोपहर में 1:30 बजे सिर धोया है, नहा के आई हूँ। और ठंड बहुत हो रही है तो धूप तो निकल नहीं रही है, तो इसीलिए मैं ड्राई से ही अपने बाल सुखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये जो सूट पहना मैंने, मुझे बहुत टाइट आता था और अभी बिल्कुल, देखो अच्छे से। ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं होता, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, और बस जितना मैं पी सकती हूँ मैं इतना पीती हूँ। तो मैं पानी पी लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ।
सो फ्रेंड्स, एक कमेंट आया था कि 32 बार फॉर्मूला मतलब हमसे नहीं हो पा रहा है, बकवास चीज़ है, हमने कई सारी वीडियो देखी हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, फ़र्क तो पड़ेगा और पड़ता भी है, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई कराया है। आप बस वीडियो देख के ही संतुष्टि कैसे कर सकते हो, है ना? जब तक आप नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए, हम भी अपना जो 32 बार चबाने का जो टाइम है वो उसको हम निकालते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब आप करोगे तभी आपको पता चलेगा, वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसे मॉर्निंग में और आपको डिनर में थोड़ा सा कम खाना खाना चाहिए, हैवी मतलब। और जो दोपहर का जो खाना होता है ना, वो आपको बहुत अच्छे से मतलब फुल डाइट उसमें लेनी चाहिए आपको, सलाद भी और चावल रोटी सब्जी जो भी है सब कुछ लेना चाहिए। तो जो सुबह शाम का खाना है वो आप थोड़ा सा कम रखें, मतलब हल्का फुल्का रखें। और फ्रेंड्स, हर खाने के बाद आपको पता ही है कि मतलब गर्म पानी पीना है। देखिए, यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि बहुत से होते हैं ना कि डाइट मतलब बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं, डाइटिंग करते हैं और सुबह का खाना छोड़ देते हैं, रात का खाना छोड़ देते हैं, और दोपहर में अगर वो खाते हैं सिर्फ 2 रोटी या 1 रोटी खाते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि भाई देखो, आप इस तरीके से डाइट फॉलो करोगे ना तो आपको कमज़ोरी आएगी, चक्कर आएंगे। तो चाहे आप हल्का फुल्का लो, लेकिन आप दोपहर में अच्छे से डाइट लो और सुबह शाम हल्का लो। और रात का खाना तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप हल्के में कुछ भी मतलब एक कटोरी सब्जी ही खा लो रात को, लेकिन आपको रात को खाना नहीं छोड़ना चाहिए। और मॉर्निंग में आप कुछ भी हल्का फुल्का ले लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। और 32 बार चबा चबा के खाना बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सो फ्रेंड्स, अब रात का टाइम हो गया है और रात को मैंने बनाया है आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि दोपहर में ना छोले बनाए थे तो छोले हैवी हो जाते हैं, तो मैंने रात को ना हल्के मसाले के आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है और रोटी सेक रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं ना आलू मटर की जब सब्ज़ी होती है ना तो मुझे चावल का बड़ा शौक है उसके साथ खाने का, लेकिन चावल नहीं खाऊँगी क्योंकि मैंने दोपहर में भी खाए थे चावल। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरीके ना रोटी के टुकड़े तोड़ लेती हूँ और उसके बाद ऐसे भी थोड़ी देर ना भिगो के रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी, और मुझे ना इस तरीके से ना रोटी को थोड़ी सी तोड़ तोड़ के, और मुझे ना इस पर जो इसका ग्रेवी होती है ना पानी वाली, तो मैं इस तरीके से भिगो के खाती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं इसको ना 5-10 मिनट के लिए भिगो के रख देती हूँ अच्छे से सारे इसमें ना, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरीके से ना बिल्कुल एकदम रोटी को डिप करके अच्छे से ना इसको रख देना आप, और फिर देखना ये थोड़ी देर ना इसको रख दोगे ना और जब अच्छे से फूल जाएगी रोटी, फिर खा के देखना, बड़ी टेस्टी लगती है ऐसे। तो बस हमारा रात का डिनर बन चुका है और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ थोड़ी देर में। जब तक ये अच्छे से भीगेंगी ना तो मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ इतने। सो फ्रेंड्स, खाना पीना सबका हो चुका है और बस थोड़े से बर्तन हैं, मैं उन्हें साफ़ कर देती हूँ। पहले क्या होता था ना, खाना खा के मैं थोड़ा आराम करती थी, दोपहर में तो पक्का करती थी, लेकिन मैं अब खाना खा के ना थोड़ा सा इधर उधर घूम लेती हूँ, बाहर तो नहीं वॉक के लिए जाती, लेकिन मैं अपने घर में ही घूम लेती हूँ। तो बस थोड़े से बर्तन है, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बर्तन साफ़ करने में थोड़ी ठंड लग रही है, मैं ठंडे पानी से ही बर्तन साफ़ करती हूँ, ऐसा नहीं कि गर्म पानी से साफ़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुतों को देखा है कि मतलब वो ना जैसे बर्तन साफ़ करते हैं तो पहले धोते नहीं हैं साफ़ पानी से, तो मैं पहले साफ़ पानी से बर्तन धोती हूँ, उसके बाद साबुन लगा के उसको साफ़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बर्तन साफ़ करने के बाद बस किचन साफ़ करने के लिए रह गई है, और किचन साफ़ करने के बाद बस मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये 32 बार फॉर्मूला की वीडियो? अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए 32 बार फॉर्मूला की जानकारी के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ इसको ट्राई करना जरूर।